गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपना जो अभी नया नेक्स्ट लॉग है या नया लाइव वीडियो है, एक छोटा सा ऑपरेशन आता है जिसको हम लोग ऑस्टेटनिंग बोलते, सर्वाइकल एनसर्क्लाज। मतलब आपको प्रेगनेंसी है, आपको चौथा पांचवा महीना चल रहा है, लेकिन मानो आपका थैली का मुंह छोटा है जिसको सर्विक्स बोलते, या फिर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, या आपको पहले चौथे पांचवे महीने में अबॉर्शन हुए हैं, एकदम से आपके थैली का मुंह खुल गया और आपका बच्चा बाहर आ गया, तो ऐसे अगर आप हिस्ट्री दे रहे तो हम लोग नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये ऑपरेशन करते हैं। आपका जो थैली का मुंह रहता है उसको हम लोग ऐसे नायलॉन के थ्रेड से बांध देते और 9th मंथ में वो थ्रेड निकालते। तो आज की जो हमारी पेशेंट है, शी इज़ अ ट्विन प्रेगनेंसी, उसको दो बच्चे हैं, तो ये केसेस में जल्दी डिलीवरी होने की, चौथे पाँचवें महीने में अबॉर्शन होने की रिस्क रहती, तो ये लोगों को हम लोग ये ऑपरेशन करते जिसको ऑस्टाइटनिंग बोलते। तो उसको अभी ऑलमोस्ट 4.5 महीना कंप्लीट हुए है, शी इज़ लाइक 17 वीक्स प्रेगनेंट, तो अभी उसका ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही छोटा ऑपरेशन है, हार्डली 15-20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। आपको सलाइन में से इंजेक्शन देते हैं, यानी जनरल एनेस्थेशिया देते हैं हमारे एनेस्थेटिस्ट, आप सो जाते हैं और उसके बाद हम लोग वो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हैंड वॉश कर रही, जिसको स्क्रब बोलते, आपने काफ़ी वीडियो में देखा है ये। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पेशेंट को जनरल एनेस्थेशिया दिया है एनेस्थेटिस्ट ने, तो पेशेंट पूरा सो गई है। हम लोग पूरा इसे बिटाडिन से क्लीन करते और ये जो ग्रीन कवर के कपड़े रहते इससे कवर करते पेशेंट को, इसको हम लोग ड्रेपिंग बोलते हैं। जो मैंने DNC के ऑपरेशन में एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, देखो सिम स्पेक्युलम, वो सिम स्पेक्युलम हम लोग ऐसे दो सिम स्पेक्युलम डालते हैं आपके वजाइना में, तब हम लोग को सर्विक्स दिखता है। तो हम लोग अभी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसे नीचे मैंने एक सिम स्पेक्युलम डाला है, एक ऊपर से डाल रही मैं, और अभी मुझे सर्विक्स दिखता है। तो ये सर्विक्स को हम लोग ऊपर के साइड से और नीचे के साइड से होल्ड करते हैं। अभी अंदर से क्लीन करते हैं पूरा, क्योंकि वजाइना में काफ़ी बार डिस्चार्ज रहता है तो उससे भी इन्फेक्शन होता है। ये देखो, ये बीटाडीन सोप कॉटन का गोला है, कॉटन का गॉज है, इससे मैं क्लीन कर रही। अभी देखो, आपको दिख रहा है ये निडल होल्डर है, इसको ये निडल मैंने लगाई है। ये ब्लू कलर का आपको एक धागा दिख रहा है, ये नायलॉन का थ्रेड है। अभी इससे मैं ये सर्विक्स को बांध रही। अभी मानो जो सर्विक्स है इट्स लाइक दिस, तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे और ऐसे बाइट लेते और इसको बांध देते। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही, तो पहला बाइट मैं ऊपर से ले रही है 12 o'clock पोजीशन। ये मेरा पहला बाइट हो गया, उसके बाद में मैं राइट साइड में जा रही। राइट में लिया मैंने, फिर मैं अभी नीचे ले रही बाइट, जो तीसरा बाइट रहेगा जो 6 o'clock पोजीशन पे जाता है। 6 o'clock यानी आपको मैं क्लॉक के हिसाब से बता रही, वैसे हम लोग बाइट लेते हैं सर्विक्स पे। और अभी मैं फिर से लैटरली जा रही 3 o'clock पोजीशन पे। ये मेरा लास्ट बाइट हो गया। तो देखो, हार्डली 3 मिनट में मेरा सुचरिंग हुआ। अभी इसको हम लोग अच्छे से टाइट बांधते हैं, इसको ऑलमोस्ट हम लोग 6 knot लेते हैं और वो सर्विक्स को काफ़ी टाइटली बांध देते, ताकि ये सर्विक्स पूरा 9 महीना ओपन ना हो जाए। अभी मैंने एक टाइम पे मैं 2 knot ले रही, तो ऐसे मैं 3 बार लेने वाली हूँ, तो मेरे 6 knot हो जाएंगे। अभी इसको हम लोग कट करेंगे। थ्रेड का डिस्टेंस बहुत छोटा रखते हैं, ताकि वो पेशेंट को फील ना हो जाए, पेशेंट को पेन ना हो जाए उसके लिए। और ये थ्रेड फिर हम लोग 8.5 महीना हुए कि हम लोग ये थ्रेड को कट कर देते,
अगर सिजेरियन कर रहे तो सिजेरियन के वक्त ही हम लोग ये निकाल देते हैं, नीचे से कट करते हैं। पेशेंट को काफ़ी डर लगता है कि इसके बाद पेन होगा क्या, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है क्योंकि ये थ्रेड हम लोग काफ़ी अंदर डालते हैं, सर्विक्स पे स्टिच रहता है ये। प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी कम रहती तो ये ऑपरेशन में स्टरिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग सर्विक्स और वजाइना पूरा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, ब्लीडिंग तो नहीं है ना वो भी कन्फर्म कर रहे हैं हम लोग। पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, अभी अपना ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है। पेशेंट का भी देखो आपको हल्का हल्का मूवमेंट देख रहा है, पेशेंट आउट आ रहे हैं एनेस्थेसिया से। तो फ्रेंड्स ये देखो ये पेशेंट है, 17 वीक्स ट्विन प्रेगनेंसी है इसको, हार्डली 15-20 मिनट्स में ये ऑपरेशन ख़त्म भी हो गया। पेशेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आया, अभी जब पेशेंट बेड पर उठ जाएगी तब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, पेन भी नहीं होगा। ये पेशेंट को हम लोग शाम को डिस्चार्ज करते हैं, 2 घंटे के बाद सादा पानी कोकोनट वाटर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना जो आज का लॉक था कि ये ऑस टाइटनिंग यानी सर्वाइकल एनसर्कलज का ऑपरेशन कैसे करते हैं, आपको कितने टाइम के लिए एनेस्थेसिया देते हैं, डॉक्टर आपके सर्विक्स को कैसे बांधते हैं, कौन सा थ्रेड यूज़ करते, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी कट नहीं आता है और डे केयर प्रोसीजर रहती है, सुबह आपको एडमिट करते हैं हम लोग और इवनिंग को डिस्चार्ज भी करते हैं, इसके बाद अलग से आपको बेड रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, बहुत ही छोटा ऑपरेशन है। तो अगर आपको इंडिकेटेड ऑस टाइटनिंग आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, या आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, या आपका पहला अबॉर्शन हुआ है, या सोनोग्राफी में आपका सर्वाइकल लेंथ कम आ रहा है, 3 सेंटीमीटर से नीचे रहा तो हम लोग शॉर्ट सर्विक्स बोलते हैं उसको, या आपका सर्विक्स ओपन हो रहा है और उस केस में अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स ये ऑपरेशन की वजह से आप डरो मत और ये ऑपरेशन करो, बहुत ही छोटा ऑपरेशन है जिसमें आपकी बॉडी को कट भी नहीं आएगा। थैंक यू।